नमस्कार, मैं हूं अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम बताएंगे आपको 29 जुलाई को राजभवन में बिहार के नए राज्यपाल फागु चौहान अपने पद की शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाएंगे। जानकारी के मुताबिक वर्तमान के राज्यपाल 28 जुलाई को मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां उन्हें नया राज्यपाल बनाया गया है। उधर दूसरी ओर शुक्रवार को बिहार के नए राज्यपाल फागु चौहान ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। आपको बता दें कि बिहार के नए राज्यपाल उत्तर प्रदेश के फागु चौहान बनाए गए हैं। पिछले हफ्ते इस बारे में अधिसूचना जारी किया गया था। राज्यपाल टंडन का स्थान लेंगे। फागु चौहान के राज्यपाल बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश स्थित उनके गांव में खुशी से लोग झूम उठे। यहां तक कि उनके गांव के लोगों ने मिठाइयां बांटी। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल फागु चौहान ने 1985 में दम की पापाटी से विधायक बनकर अपना सियासी सफर आरंभ किया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा इलाके से छठी बार विधायक बने। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से शुक्रवार को त्याग पत्र दे दिया। उत्तर प्रदेश में जनपद के लोकप्रिय और जनाधार वाले विधायकों में गिने जाने वाले चौहान पिछड़े श्रेणी के प्रभुत्व वाले नेताओं में सम्मिलित हैं। साल 1985 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी दमकीपा से विधायक बनकर सियासी सफर आरंभ करने वाले फागु चौहान मूलतः आजमगढ़ जनपद के शहर से सटे गांव शेखपुरा बद्देपुर के रहने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे इस Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।